हेलो दोस्तों, वेलकम टू आर चैनल बी अ प्रोग्रामर में। तो एक बल्क अपॉर्चुनिटी आई हुई है, बल्क हायरिंग फ्रॉम एक्सेंचर एक्सेंचर की तरफ से आई हुई है। एंड 19, 20, 21, 22 ये सारे ग्रेजुएट्स एलिजिबल हैं फ्रॉम ऑल द ग्रेजुएट्स, मतलब बी बी टेक भी एलिजिबल है, बी कॉम भी एलिजिबल है, बी बी ए एलिजिबल है, बहुत ढेर सारे ग्रेजुएट्स जो एलिजिबल हैं। सारी चीज़ों के बारे में बात कर रहा हूं, थंबनेल में जितना मैं मेंशन कर सकता कर दिया है, इससे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं कर सकता हूं, ठीक है। तो प्लीज़ यार स्टार्ट करते हैं वीडियो को, सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे, प्रिपरेशन मटेरियल्स भी बता देंगे कहाँ कहाँ से क्या क्या चीज़ पढ़नी है, रजिस्ट्रेशन में क्या क्या एलिजिबिलिटीज़ है वो भी पढ़नी है क्या, क्योंकि ऑनलाइन होने वाला एग्जाम तो क्या क्या चीजें आपको जरूरत है जब आप ऑनलाइन एग्जाम देने आ रहे हो। वीडियो को पूरा देखोगे तभी सारी चीजें समझ में आएगी। तो प्लीज यार वीडियो को लाइक जरूर कर देना, नहीं जाके कमेंट जरूर करना यार, एक कमेंट तो बनता है यार इन सारी वीडियोस के लिए, एक कमेंट बनता है, नहीं जाके लाइक जरूर कर देना। ऐसी चीजें हम लोग पोस्ट करते रहेंगे तो ऐसे ही मोटिवेशन देते रहना, ठीक है, ताकि आप लोग कमेंट करते ना तो वहीं से मोटिवेशन आती है, वहीं से एनर्जी आती है, हम लोग वीडियोस जो पोस्ट करते हैं। स्टार्ट करते हैं वीडियो को, स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी इंफॉर्मेशन मैं देना चाहूंगा। दैट इज अ फ्री ऑफ कॉस्ट हायरिंग चैलेंज हो रहा है, फ्री ऑफ कॉस्ट कोडिंग कॉन्टेस्ट, ग्रैंड कोडिंग कॉन्टेस्ट फ्रॉम न्यूटन स्कूल, दैट इज दिस वन, ये देख सकते हो। दैट इज यहाँ पे आपको कैश प्राइजेस, हायरिंग चैलेंज, दीज आर द हायरिंग पार्टनर्स, जोमेटो हो गया, बाइजूस हो गया, उसके बाद मार्क एसके हो गया, मीशो हो गया, वीएमओ हो गया, दीज काइंड ऑफ हायरिंग पार्टनर्स दे आर हैविंग। और यहाँ पे देख लो दैट इज कैश प्राइजेस दे आर हैविंग, दैट इज एक 10 लाख तक का कैश प्राइजेस, बहुत अच्छे अच्छे कैश प्राइजेस हैं। एंड इफ यू आर नॉट कमिंग इन टॉप ऑल्सो, मतलब 3000 टॉप 3000 स्टूडेंट्स जो कोडिंग हीरोज होंगे उनको भी बहुत अच्छे गिफ्ट कार्ड, गिफ्ट वाउचर्स, गुडीज, ये सारी चीजें मिलने वाली हैं। और आपको एक ग्लोबल एक्सपोजर मिलेगा, एक ग्लोबल कॉन्टेस्ट है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई भी ग्रेजुएट अप्लाई कर सकता है। तो मैं कहूंगा आपको जरूर करना चाहिए। आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दिया है जो कि इस वाले पेज का है, जिसमें आप डायरेक्टली रजिस्टर कर सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट रजिस्ट्रेशन है। जस्ट आपको ईजीएस, बहुत ईजी फुल ये आपको एप्लीकेशन है, डायरेक्ट फुल नेम डालो, ईमेल आई डालो, नंबर डालो, पासवर्ड डालो, दैट इज इट। लिंक आपको इस पेज का नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, डायरेक्टली टैप करके इस पेज पे आके रजिस्टर जरूर करना, ट्राई जरूर करो एक बार ट्राई करना है, दैट इज अप टू यू, कैसा एक्सपीरियंस होता है वो आपको पता चल जाएगा। अब देखो जैसे मैंने आपको बताया कि दो जॉब रोल्स हैं बेसिकली जिसमें काफी लोग अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहला है दैट इज एससीएस सॉफ्टवेयर इंजीनियर, ये बीई बीटेक, मतलब किन लोगों के लिए, बीई बीटेक, एमई एमटेक, इन वाले लोगों के लिए, तो ये लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा है दैट इज ऑफ द सिस्टम एंड एप्लीकेशन सर्विसेज एसोसिएट, जो 19, 20, 21, 22 इन सारे ग्रेजुएट्स के लिए है। और यहां पे देखो प्रॉपरली इतने ढेर सारे रोल्स हैं, व्हाट यू विल बी डूइंग, एप्लीकेशन इंजीनियरिंग, प्रोजेक्ट सर्विसेज, लोगो लेवल कोड, सारी चीजें यहां पे मेंशन है। एंड यहां पे एलिजिबिलिटीज प्रॉपर मेंशन है, अगर मैं दिखाऊं ये मेरे गलती से बंद हो गया, और सारी चीजें मेंशन है। और एक चीज आपको क्या ध्यान में रखनी है, फोटो, जैसे मैं आपको बताता हूं, व्हाइट बैकग्राउंड फोटो डालने के लिए, ताकि आपको एक हेल्पफुल, मतलब जब प्रेफर्ड है कंपनी की तरफ से तो कैसे आप दूसरी चीज यूज कर सकते हो, उसका ध्यान जरूर रखना, ठीक है। तो सबसे पहली चीज नेक्स्ट करके हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। सबसे पहली चीज वीडियो पूरी देख लेना तभी समझ में आएगा, ऐसा नहीं कि भाई छोड़ के चले गए ब्लास्ट में, फिर पूछ रहे हैं कैसे क्या हो गया, नहीं हो रहा है, वो सारी चीज़ नहीं करनी है, ठीक है। वीडियो देखो सब कुछ समझ में आ जाएगा। सबसे पहली चीज दैट इज यहाँ पे देखो, दैट इज व्हाट आर द स्ट्रीम्स एलिजिबल, यहाँ पे स्ट्रीम्स प्रॉपर मेंशनड है, दैट इज दिस वन, ऑल द स्ट्रीम्स फ्रॉम एमसीएस, एमसीएम, एमएससी, एमए, एमकॉम, एमएफए, उसके बाद बीएससी, बीसीए, बीबीए, बीए, बीकॉम, बीबीए, बीबीए दो बार मेंशन है, उसके बाद बीवॉक, बीएमएस, उसके बाद फिर आपका 19, 20, 21, 22, ये सारे ग्रेजुएट्स 4 ईयर के ग्रेजुएट्स एलिजिबल हैं। 19 वाले पास आउट हो चुके हैं 2 साल पहले, 20 वाले पास आउट हो चुके हैं, 21 वाले पास आउट हो चुके हैं, 22 वाले फाइनल ईयर में, वो भी अप्लाई कर सकते हैं। सारा फुल टाइम जॉब्स का है, एंड सारी जो डिग्रीज हैं फुल टाइम होनी चाहिए, 1 साल से ज़्यादा का गैप नहीं होना चाहिए, कोई बैकलॉग नहीं होना चाहिए ऑनबोर्डिंग के समय, एग्जाम दे रहे हो उस समय तो कोई दिक्कत नहीं है, बट ऑनबोर्डिंग जब होगी, आपका सिलेक्शन, आपका एग्जाम वगैरह हो गया सर, जब ऑनबोर्डिंग होगी, जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उस समय आपके पास सारे डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, कोई भी आपका गैप नहीं होना चाहिए, और कोई भी, मतलब कोई भी आपका बैकलॉग नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें मेंशन है यहाँ पे प्रॉपरली, ठीक है। उसके बाद वर्सेटाइल विद द एप्टीट्यूड, एप्टीट्यूड वगैरह अच्छे से आना चाहिए, दैट इज। उसके बाद वर्क शिफ्ट्स वगैरह हो सकता है, अलग हो, डिफरेंट टाइम जोन्स में हो, तो उसमें आपको कंफर्टेबल रहना है, ठीक है, पर्टिकुलरली मेंशनड है। उसके बाद जैसे कि जानते हो एक्सेंचर एक सबसे बड़ी सर्विस बेस्ड कंपनी है, ग्लोबल सबसे बड़ी सबसे सर्विस बेस्ड कंपनी है राइट नाउ इन पर्टिकुलर डेट, ठीक है, सबसे बड़ी सर्विस बेस्ड कंपनी। तो आपको एक्सपोजर बहुत अच्छा मिलेगा, बिकॉज बहुत ढेर सारे एम्प्लॉइज है जो काम कर रहे हैं, और बहुत ही एक्सपीरियंस वाले लोग भी काम करेंगे, तो एक्सपोजर फ्रेशर्स के लिए बहुत अच्छा होगा। तो अच्छी कंपनी है टू वर्क विद, वर्क कल्चर काफी अच्छा है, बहुत लोगों को मैंने सुना है वर्क कल्चर अमेज़न का बताते, मतलब एक्सेंचर का बताते हुए बहुत अच्छा है। तो आप लोग को ये सारी चीजें, और इन सारे रोल्स के लिए एक ऐसी स्किल है जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक्सेल की स्किल। तो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा एक्सेल का, जो आप यूज कर सकते हो एक्सेल को पढ़ने के लिए, एक्सेल को पढ़ने के लिए, एक्सेल को मतलब प्रॉपरली आप पढ़ सकते हो। प्रॉपर सर्टिफिकेशन प्रोग्राम है, दो, एक सर्टिफिकेशन प्रोग्राम है दैट इज एडवांस एक्सेल वो, और दूसरा है सर्टिफिकेशन दैट इज एडवांस एक्सेल फॉर्मूलास, ठीक है। तो आप दोनों वीडियोस यूज कर सकते हो, नीचे मैंने एक वीडियो दिया है कैसे आपको क्लेम करना है, कैसे कोर्सेस क्लेम करना
करने, सारा कुछ नीचे दिया हुआ है, वो आपको सबसे ज्यादा हेल्प करने वाला है, डेफिनेटली आपको करना चाहिए, मैं आपको सजेस्ट करूंगा, ठीक है। लिंक दे दिया है, ठीक है, सबसे पहली चीज दैट इज। उसके बाद फिर हम लोग देखने वाले, जैसे मैं आपको बताया, रजिस्ट्रेशन असिस्टेंट सबसे पहली चीज, ठीक है। तो रजिस्ट्रेशन असिस्टेंट के लिए आपको क्या क्या चीज ध्यान रखनी है जब आप एग्जाम देने जा रहे हो, जैसे कि ऑनलाइन एग्जाम होने वाला है, तो क्या क्या चीजें आपको मैंडेटरी है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे जाओगे तो यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया प्रॉपरली मेंशन है, सारी चीज़ें बैकलॉग वगैरह नहीं होना चाहिए। असेसमेंट जब देने जा रहे हो तो असेसमेंट के बारे में यहाँ पे प्रॉपरली है, तो मैंने एक प्रॉपर वीडियो बनाई हुई है, एसोसिएट प्रॉपर फुल स्टैक इंजीनियर, ठीक है। फुल स्टैक इंजीनियर एक होता है एसोसिएट सॉफ्टवेयर इंजीनियर, एक होता है फुल स्टैक सॉफ्टवेयर इंजीनियर। एसेंचर दो तरह का प्रोफाइल देता है, ठीक है। तो फुल स्टैक सॉफ्टवेयर इंजीनियर के ऊपर मैंने एक वीडियो बहुत पहले बनाई हुई थी, जो प्रॉपर इंटरव्यू का एक्सपीरियंस, असेसमेंट का एक्सपीरियंस के ऊपर है, जो मेरे आपको एक नीचे प्लेलिस्ट में लेंगे, दैट विल बी इंटरव्यू विद एक्सपीरियंस। उसमें एक क्या नाम एक्सेंचर के ऊपर वीडियो है देव के साथ, यू कैन सी दैट वीडियो, डेफिनेटली आपको हेल्प करने वाला है, ठीक है। तो आप देख सकते हो। नेक्स्ट थिंग फिर यहां पे देख सकते हो, दैट इज असेसमेंट, कॉग्निटिव असेसमेंट होगा आपका 50 मिनट्स का। उसके बाद फिर टेक्निकल असेसमेंट होगा आपका, ऑप्शनल है बेसिकली, वो डिपेंड करेगा आप कौन सा रोल के लिए जा रहे हो। ये कॉमन लिखा हुआ है, एक कॉमन पैटर्न है इसका जो आपके लिए होना चाहिए, मतलब वो सारे लोगों के लिए जो आप नॉन टेक, टेक कोई भी हो उनके लिए, ठीक है। तो आप टेक्निकल से हो तो आपको टेक्निकल एग्जाम देना पड़ेगा, नॉन टेक से हो तो टेक्निकल एग्जाम देने की कोई जरूरत ही नहीं है, ठीक है। तो इसलिए ऑप्शन लिखा हुआ है। उसके बाद फिर यहां पे देखो रिक्वायरमेंट्स लिखे हुए हैं, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स आपके लैपटॉप में या कंप्यूटर में, क्या क्या चीजें होनी चाहिए। पहले तो आपका वेबकैम होना चाहिए, वर्किंग वेबकैम साफ सही से दिखना चाहिए, और एक वाइट बैकग्राउंड पे बैठना या प्लेन बैकग्राउंड पे बैठना, जिसके पीछे से कोई डिस्टर्बेंस नहीं रहे, वेल लिट रहे, आपके चेहरे पे सही से लाइट आ रही हो, ताकि आपको एग्जाम देते समय कोई भी इश्यूज ना हो। आपका माइक प्रॉपर ईयरफोन यूज करना है, ईयरफोन कोई भी ब्लूटूथ ईयरफोन नहीं होना चाहिए। ये सारी चीज मैं मेंशन कर रहा हूं, ये प्रॉपर यहां पे मेंशन नहीं है, वो सारी चीज मैं अपने एक्सपीरियंस बता रहा हूं, ठीक है, मेरे को पता है मैं बता रहा हूं, ठीक है। उसके बाद फिर यहां पे देख सकते हो 4GB रैम आपका होना चाहिए, वर्किंग वेबकैम मैंडेटरी है, उसके बाद माइक मैंडेटरी है, उसके बाद कुकीज अनेबल्ड होना चाहिए, पॉपअप्स अनेबल होना चाहिए, मतलब ऐसा नहीं है अपना टैब वैब चेंज करो, वो सारी चीज टैब वैब नहीं चेंज करी। एक बार अगर एग्जाम चालू हो गया तो आप मिनिमाइज नहीं कर सकते हो, टैब नहीं चेंज कर सकते, कोई आप डिवाइस नहीं यूज कर सकते हो, रफ पेपर जरूर यूज कर सकते हो, वो भी सही से, ऐसा नहीं कि हां एकदम ही ऐसे लगे पड़े, धीरे धीरे नॉर्मल, ठीक है, वो यूज कर सकते हो। मोबाइल और लैप टैबलेट पे टेस्ट नहीं दे सकते हो, लैपटॉप या डेस्कटॉप पे ही देख सकते हो, सारी चीज़ें यहाँ पे मेंशन है, प्रिपेयर कर सकते हो सारी चीज़ें। उसके बाद आपको टेस्ट का लिंक आपको आएगा डेफिनेटली पहले, उस पर आप टेस्ट कर सकते हो, मॉक टेस्ट दे सकते हो, सारी चीज़ें मेंशन है, ठीक है। रजिस्ट्रेशन का प्रॉपर यहाँ पे सारी चीज़ें, तो अगर आपको कोई भी इशूज आते हैं तो यहाँ पे देखो VR ऑनलाइन यहाँ पे प्रॉपर हेल्प के लिए दिया हुआ है, टैप करोगे तो पेज खुल जाएगा और यहाँ पे अपना चैट बता सकते हो, क्या इशूज आपको आ रहे हैं, वो सारी चीज़ें वो लोग हेल्प करेंगे आपको, ठीक है। स्टार्ट कर सकते हो चैट, जैसे कि मैंने यहाँ पे गया, उसके बाद अपना फोन नंबर डाला, उसके बाद फिर यहाँ पे अपना ईमेल डाल दिया, उसके बाद फिर अपना फोन नंबर डाल दिया, उसके बाद फिर मैं क्या करूंगा कि हाँ मेरे को ये इश्यूज हैं, मेरे को प्लीज स्टार्ट कर दो चैट, ठीक है। तो ये स्टार्ट हो जाएगा चैट, अभी मैंने वैलिड नहीं डाला इसलिए स्टार्ट नहीं हो रहा है, ठीक है। तो वहां से मैं सारी चीजें कर सकता हूं। सिमिलरली एसोसिएट सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए सिमिलरली सारी चीजें हैं, तो आपको यूज करना है ये सारे अपॉर्चुनिटीज, मतलब प्रॉपर प्रिपेयर करके जरूर देना एग्जाम डेफिनेटली। टेलीग्राम पे बहुत अच्छी अच्छी चीजें आ रही हैं, मैंने आपको न्यूटन स्कूल का जो लिंक दिया ग्रांड कोडिंग कॉन्टेस्ट का, उसमें जरूर पार्टिसिपेट करना, जाके आज ही पार्टिसिपेट करो, फ्री ऑफ कॉस्ट एक जो चीजें, उसके बाद कितनी ढेर सारी गुडीज है, कितने ढेर सारे कैश प्राइजेस हैं जो आपको मिल सकता है। सो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, यही सारी चीजें जो आपको बताना चाह रहा था, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम। ब्लॉग चैनल जरूर फॉलो कर लेना, टेलीग्राम चैनल पे सारी चीजें हैं। उसके बाद फिर मैंने क्या नाम है अपने एक्सेल के ऊपर चीजें आपको बताई हुई है, तो एक्सेल का भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, न्यूटन स्कूल का भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, फ्री ऑफ कॉस्ट कॉन्टेस्ट जो है जरूर पार्टिसिपेट करना चाहिए। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद, वंदे मातरम, बाय बाय, ध्यान जरूर रखना।